Yes, let us wait for 5 minutes for students to join. तो उतनी देर में हम जो लास्ट लेक्चर में किया था उसको रिवाइज करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है. सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिजी एट ऑल टाइम्स. सिंगल यूजर या सिंगल प्रोग्राम या प्रोसेस हर टाइम सीपीयू या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बिजी नहीं रख पाएगा. तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज करेगी ये सारा कुछ कि अगर एक प्रोसेस को अभी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो उसको उस प्रोसेसर फ्री करना पड़ेगा और दूसरा प्रोसेस उस प्रोसेसर को ले सकता है. मल्टीटास्किंग में क्या था आपके पास? मल्टीटास्किंग इज लॉजिकल एक्सटेंशन इन विच सीपीयू स्विचेस सो फ्रीक्वेंटली that users can interact with each job while it is running, creating interactive computing. अब हमने किया था कि multitasking में क्या होता है आपके पास. आपने let us suppose आपके पास एक processor है, RAM में आपके पास 3 प्रोग्राम्स हैं या प्रोसेसेस हैं, ठीक है. अब ये सीपीयू का टाइम शेयर होगा. लेट अस सपोज 1 यूनिट ऑफ टाइम है 1 सेकंड, 1 सेकंड P1 को, देन इट विल स्विच टू P2, देन इट विल स्विच टू P3. ऐसे बार बार चलता जाएगा इन राउंड रॉबिन फैशन. तो इसको इस तरह के प्रोसेसेस को हम अगर ऐसे लॉन्च किए जाए, मतलब सॉरी शेड्यूल किए जाए, तो क्या बोलेंगे कि मल्टीटास्किंग हो रही है. सॉरी P1, ठीक है. तो अब प्रोसेसर आपका बार बार स्विच कर रहा था बिटवीन प्रोसेसेस, लेकिन हर प्रोसेस को यही लगेगा अगर ये हर के पास सीपीयू का बहुत कम टाइम है तो हर प्रोसेस को यही लगेगा कि उसके पास क्या है, आपका प्रोसेसर उसी के लिए ही डेडिकेटेड है, ठीक है. तो प्रोसेसर उसी के लिए डेडिकेटेड है. तो इसको हम और समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल देखेंगे. देखो आज लास्ट लेक्चर है हमारा, जो हम काफी स्लो जाएंगे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू पुट आवर फुट ऑन एक्सेलरेटर. तो इसीलिए आज मतलब ये आपके बेसिक्स आज पूरे कवर हो जाएंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए. आगे हम और भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो आज के लेक्चर के बाद जो भी लेक्चर में हुआ है उसको रिवाइज एक बार जरूर करना, ठीक है, क्योंकि हम मे बी बाकी बैचेस से 1 वीक पीछे चल रहे हो, लेकिन ये जरूरी है कि हम शुरू में स्लो चलें ताकि आपको समझ में आ जाए. अब जो न्यूमेरिकल करना है, देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, रिस्पांस टाइम शुड बी लेस देन 1 सेकंड. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि रिस्पांस टाइम शुड बी लेस देन 1 सेकंड. आपने कोई क्वेरी डाली, प्रोसेस आपका रैम में है, चल रहा है, तो उसका रिस्पांस टाइम मतलब प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूशन के टाइम उसका कम होना चाहिए ताकि जो यूजर पीछे बैठा है उसको लगे कि मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है. लेट अस सपोज आपके पास जीमेल का सर्वर है, ठीक है. ये जरूरी नहीं कि हर यूजर के टाइम उसके आपको यूजर लॉगिन और पासवर्ड है. मान लो किसी कंपनी में ऐसे है, थापर का ही लगा लो आपके सर्वर के ऊपर ऐसे है, तो थापर का सर्वर कैसे मैनेज करता होगा जो वेब कियोस्क का है कि वो स्विचिंग करता है. अगर एक ही प्रोसेसर है उसके पास, कि इस यूजर के पास गया पहला यूनिट, फिर इस यूजर के पास, जब भी इसने क्वेरी डाली फिर इसने क्वेरी डाली, अब आपने क्लिक किया पासवर्ड को, तो जो रिस्पॉन्स टाइम है कितना टाइम आपको वेट करना पड़ा, तो वो होगा रिस्पॉन्स टाइम.
लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम कैसे करेंगे रिस्पांस टाइम कैलकुलेट, वो अभी एक न्यूमेरिकल से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो रिस्पांस टाइम लिखा हुआ है यहां पर, ये जो रिस्पांस टाइम लिखा हुआ है इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। लेट अस सपोज यहां पर प्रोसेसेस हैं, यहां पर अराइवल टाइम, यहां पर बर्स्ट टाइम। ठीक है, यहां पर P1, P2, P3, अराइवल टाइम है 0, 1, 2। क्लियर? तो अब बर्स्ट टाइम है इसका दिया हुआ 7, 2, 3। अब आपके पास P1, P2, P3 बेसिकली अराइवल टाइम का मतलब यहां पर क्या है कि रैम में कब ये प्रोसेसेस आए, पहली बार रैम में ये प्रोसेसेस कब एग्जीक्यूट होने के लिए आए। ठीक है, ये रैम है, यहां पर आपका प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर के पास कौन सा प्रोसेस किस ऑर्डर में जाएगा वो डिसाइड करेगा आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब यहां पर P1 प्रोसेस है, ठीक है, तो P1, P2, P3 प्रोसेसेस हैं। अब जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सपोज करो यूज करना है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज होना है वो क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इस एल्गोरिदम में प्रोसेसर सबसे पहले किस प्रोसेस को मिलेगा जो रैम में सबसे पहले आया होगा, मतलब अराइवल टाइम के बेस पर आपने प्रोसेसेस को देना है। वैसे तो अराइवल टाइम के बेस पर ही कोई मर्जी एल्गोरिदम हो देंगे, लेकिन पूरे का पूरा स्लॉट सीपीयू का, मतलब 7 यूनिट्स ऑफ टाइम आप अराइवल टाइम पर दे रहे हो। तो आपका गैंट चार्ट कैसे बनेगा, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था, 0 से इसमें इनपुट आउटपुट मेंशन नहीं है तो उसको हमने इग्नोर कर दिया है, 0, 7, P1 P2 है 7 से आपका लेकर 9 तक, क्योंकि तब तक एट टाइम यूनिट 7 P2 अराइव हो चुका था और P2 और P3 दोनों अराइव हो चुके थे, लेकिन सबसे पहले कौन आया था, P2, देन 9 से 12 तक P3। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, ये हमने गैंट चार्ट पिछली की तरह बनाया है। अगर डाउट है तो मेरे से पूछो, अगर नहीं है फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर डाउट है तो प्लीज आस्क। एनी डाउट? सो आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज नो डाउट। कैन टू प्रोसेसेस कैन कम ऑन सेम टाइम? यस, दे कैन कम, लेकिन एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये भी हो सकता है कि दो प्रोसेसेस एक बार आए, लेकिन फिर वो प्रायोरिटी चेक करता है। अगर प्रायोरिटी नहीं चेक किया तो, हाँ जी, आप क्या लिख रहे हो, अराइवल टाइम की जगह बर्स्ट टाइम ऐड क्यों किया, बर्स्ट टाइम ही जाएगा ना? नहीं, आप इसका मैं दोबारा बता देता हूं, मतलब समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से इसको पार्ट को समझना। लुक, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहां पे आप करना क्या चाहते हो, आपको पहला क्वेश्चन है कि अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है जब वो रैम में आएगा।
अब बर्स टाइम क्या है, सीपीयू के पास उसको कितना जाना चाहिए। तो जो मेरा एल्गोरिदम है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये क्या कहता है, वैसे ये शेड्यूलिंग में आएगा आपको डिटेल में, लेकिन यहां भी मैं करवा रहा हूं आपको, तो इसको डिटेल में कर लेते हैं, उस टाइम हमारा टाइम बच जाएगा। प्रोसेसर के पास प्रोसेस P1 आया, तो अब जैसे ये आ गया तो ये पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होकर ही बाहर जाएगा। तो अगर वो जीरो टाइम यूनिट पे आया तो बर्स्ट टाइम का मतलब क्या है, सीपीयू के पास उसको कितना टाइम चाहिए। तो जीरो, या ये किसका गैंट चार्ट है कि सीपीयू में एक प्रोसेस कब तक रह रहा है। तो यहां हमने कह दिया कि जीरो से सेवन तक वो पी वन में रहेगा। फिर सेवन से नाइन कौन सा प्रोसेस रहेगा, पी टू, एंड नाइन से ट्वेल्व पी थ्री। इसका बर्स्ट टाइम का दोबारा सुन लो क्या है, मतलब कि सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन का कितना टाइम लेगा एक प्रोसेस। तो पी वन को सात यूनिट ऑफ टाइम चाहिए था, पी टू को टू यूनिट ऑफ टाइम, पी थ्री को थ्री यूनिट ऑफ टाइम। इफ अराइवल टाइम आपको दो प्रोसेसेस का सेम दिया हो, लेट अस सपोज यहां पर भी जीरो होता, तो आपने अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आपने हमेशा जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उस ऑर्डर में लेना है, ठीक है। ये जो सिनेरियोज हैं हम देख रहे हैं ये हाइपोथेटिकल होते हैं, एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करते हैं वो प्रायोरिटी पे भी डिसाइड करता है, बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे कि आपके पास ये सिनेरियो है, इसके रिलेटिव आपने आगे बताना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये अब किसी को, अब और किसी को डाउट है इसमें, बस टाइम, यस टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू है यहां पे। नहीं नहीं नहीं, हम अगर P3 इज टेकिंग लेस टाइम तो पहले वो नहीं आना चाहिए था, नहीं, क्योंकि हमारे एल्गोरिदम का नाम क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें एल्गोरिदम का क्या नाम था, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। वो सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम पे डिपेंड करेगा के कौन सा आएगा। यहां पे देखो मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका एल्गोरिदम कौन सा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो पहले कौन सा आया था, प्रोसेस P1, तो एग्जीक्यूट हुआ। अगर आप बोल रहे हो कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम भी होता तो, लेकिन एट टाइम यूनिट जीरो, अगर P3 आया ही नहीं था तो आप किसको शेड्यूल करते, अगेन P1 को ही। क्लियर, बस टाइम तो आपका टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट है, टोटल टाइम टेकन नहीं है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, टोटल टाइम टेकन अभी क्यों नहीं है, आज की एग्जांपल में ही क्लियर हो जाएगा। तो अब इसका सलूशन हम देखते हैं, हमने क्या कुछ निकालना है इसमें। अभी हमने कैलकुलेट क्या करना है, टोटल टाइम, जिसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, या टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि एक बार अगर प्रोसेस अराइव हो गया तो वो कब जाकर एग्जीक्यूट होगा कंप्लीटली, उस टाइम को क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस, ठीक है। एक होता है वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या है कि रैम में प्रोसेस को कब तक रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब से आया है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेटिंग टाइम। एक है तीसरा फैक्टर रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा कि प्रोसेस के रैम में आने के बाद उसको पहली बार प्रोसेसर कब मिला, प्रोसेस के रैम में आने के बाद उसको पहली बार प्रोसेसर कब मिला। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस एल्गोरिदम में आपके पास वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम ही होगा। दोबारा सुनो, वेटिंग टाइम क्या है, मान लो आपका इस केस में P2 आया कब, 1 पे, लेकिन इसको प्रोसेसर कब मिला, 7 पे,
तो 6 यूनिट्स ऑफ टाइम ये रैम में पड़ा रहा, तो वो क्या होगा इसका वेटिंग टाइम। रिस्पांस टाइम क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस में तो सभी का रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम सेम रहेगा। क्यों? पहली बार प्रोसेस कब आया 1 पे, और पहली बार एग्जीक्यूशन के लिए कब गया ये 7 पे, तो वो उसका रिस्पांस टाइम भी होगा। क्लियर? तो इसको हम अभी यहां पर इसी के साथ, इरेजर कहां है यहां, देखो जो डिफरेंट आपके चाहिए पैरामीटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसको मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? यहां क्या बोलूंगा मैं इसको, एक तो हो गया टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मींस अगर मैं इसको टर्न अराउंड टाइम को टीटी बोल रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है कि टोटल टाइम एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस को कितना लगा। तो P1 की अगर बात करें, ये कब आया था 0 पे, और एग्जीक्यूट कब हुआ यहां से देखो 7 पे, तो इसको टोटल टाइम कितना लगा एग्जीक्यूशन के लिए 7। P2 कब आया था 1 पे, ठीक है, आया कब था 1 पे, और एग्जीक्यूट कब हुआ 9 पे, तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है 8। 9 माइनस 1, P3 कब आया था रैम में 2 में, और एग्जीक्यूट कब हुआ एट टाइम यूनिट 12, तो 2 माइनस 12 टर्न अराउंड टाइम कितना आया 10। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम, रैम में कितनी देर वेट करनी पड़ी प्रोसेस को। 0 पे आया और 0 पे प्रोसेसिंग होगी, तो मतलब इसको वेट तो करना ही नहीं पड़ा, तो इसका वेटिंग टाइम कितना होगा 0। P2 आया कब 1 पे, और प्रोसेसर कब मिला 7 पे, तो वेटिंग टाइम कितना हुआ 6। P3 आया कब 2 पे, और प्रोसेसर कब मिला 9 पे, तो वेटिंग टाइम कितना हुआ 7। अब रिस्पांस टाइम, रिस्पांस टाइम क्या होता है कि पहली बार प्रोसेसर कब मिला जब प्रोसेस आपका अराइव हो गया है, तो इसको तो 0 ही है क्योंकि जैसे ही आया प्रोसेसर मिल गया। पहली बार प्रोसेसर कब मिला, आया 1 पे था, प्रोसेसर पहली बार कब मिला 7 पे, तो इसका 6 होगा, एंड अगेन इसका 7 होगा। हाँ जी, इसमें ये तीनों पैरामीटर्स कैसे निकाले हैं, इसमें किसी को डाउट हो इसके प्लीज पिक्चर आप क्लिक कर लो एक बार। अब मैं डाउट्स इसमें पूछने वाला हूं। इसमें पूरा नहीं होगा भाई, इसमें टाइम शेयरिंग की हमने बात ही नहीं की, इसमें टाइम शेयरिंग की बात ही नहीं की हमने। वेटिंग टाइम क्या है दोबारा से सुनो, प्रोसेस को रैम में कितनी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। रिस्पांस टाइम क्या है, पहली बार प्रोसेस को कब सीपीयू मिलेगा, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए तो ये सेम है, इसमें हम टाइम शेयरिंग की बात ही नहीं कर रहे। नहीं, इसमें डिफरेंट नहीं है, वो टाइम शेयरिंग वाली एग्जांपल में डिफरेंट होगा। रिस्पांस टाइम क्या है, देखो यहां नहीं पता चलेगा जिसको, रिस्पांस टाइम के अलावा क्लियर है सभी को वेटिंग टाइम क्या है। टर्न अराउंड टाइम क्या है वो बता देता हूं, टर्न अराउंड टाइम क्या है, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ
प्रोसेस, आपका अराइव कब हुआ ये जीरो पे और प्रोसेसिंग इसकी कब कंप्लीट हुई सेवन पे, तो सेवन माइनस जीरो सेवन आ गया आपके पास। प्रोसेस P2 अराइव कब हुआ वन पे और एग्जीक्यूट कब हुआ नाइन पे, तो टर्न अराउंड टाइम एट आ गया। ठीक है, प्रोसेस P3 अराइव कब हुआ नाइन पे, सॉरी टू पे, और एग्जीक्यूट कब हुआ ट्वेल्व पे, तो टर्न अराउंड टाइम ट्वेल्व माइनस टू टेन आ गया। हाँ जी, और किसी को डाउट? रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स टाइम अभी भूल जाओ, नेक्स्ट टाइम शेयरिंग की बात करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर ये, बाकी वेटिंग टाइम क्लियर है? वेटिंग टाइम क्या है, रैम में कितना टाइम बिताएगा प्रोसेस। क्लियर, अब दोबारा इसी को हम दूसरे मैकेनिज्म के साथ करेंगे, टाइम शेयरिंग वाले के साथ। जिसको अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ तो उसमें दोबारा आपको क्लियर हो जाएगा यही। क्लियर, तो मेरे पास सेम एग्जांपल है, अगर ये वाली एल्गोरिदम नाउ वी विल बी यूजिंग इज कॉल्ड, जिसको आप मल्टीटास्किंग बोल सकते हो टाइम शेयरिंग, या जिसको शेड्यूल, जिसके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का नाम है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। अब यहां पर टाइम शेयरिंग वाला एल्गोरिदम यूज करेंगे, या करेंगे उसको हम बोलेंगे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। अब इसमें मान लो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि स्विचिंग कितने टाइम बाद होनी है, आफ्टर स्विचिंग जो होनी है वो उसको बोलेंगे क्वांटम टाइम, वो कितना होगा वन यूनिट ऑफ टाइम, एवरी वन यूनिट ऑफ टाइम आपकी स्विचिंग होगी। ठीक है, या मान लो आपने यहां पे टू यूनिट ऑफ टाइम लिख लिया इजी करने के लिए, एवरी टू यूनिट ऑफ टाइम आपकी स्विचिंग होगी। तो इसके लिए गैंट चार्ट कैसे बनेगा आपका, ध्यान से देखना। एट टाइम यूनिट जीरो कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ हुआ है, पी वन, और इसका टाइम क्वांटम, और इसका टाइम क्वांटम कितना है, इसका टाइम क्वांटम है टू, इसका टाइम क्वांटम है टू, तो दैट मींस जीरो से टू तक आपका पी वन चलेगा। ठीक है, अब एट टाइम यूनिट टू आपका पी टू भी अराइव हो चुका है और पी थ्री भी अराइव हो चुका है, लेकिन पहले कौन सा अराइव हुआ था, पी टू। तो अगर ऐसे दो प्रोसेसेस जो एक साथ मतलब अवेलेबल हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अगेन हैपन होगा। तो अब टू से फोर तक कौन सा चलेगा, P2। क्लियर, अब P3, P3 एट टाइम यूनिट टू अराइव हुआ था तो इसको इसके बाद हमने दे दिया फोर से सिक्स P3 चलेगा, क्योंकि ये देखो दो दो यूनिट क्यों दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दे दिया कि हर टू यूनिट के बाद आपका स्विच होना है, मतलब टाइम शेयरिंग कितना है सीपीयू के लिए, टू यूनिट्स ऑफ टाइम। तो अब यहां पर रिमेनिंग टाइम कितना रह गया था इसका, सेवन माइनस टू फाइव, इसका कितना रह गया था जीरो,
इसका कितना रह गया था, 1। क्लियर। अब 6 से 8 कौन सा जाएगा, P1, और इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह जाएगा, 3। क्लियर। अब P2, वैसे बारी P2 की थी लेकिन P2 का तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, इसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना रह गया, 0। तो ये तो एग्जीक्यूट हो गया, तो अब कौन सा आएगा, P3, लेकिन इसका रिमेनिंग कितना बचा है, 1। तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम ही यहां पर लेगा। क्लियर। अब इसके बाद कौन सा बचा, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम उसका, तो यहां 9 से 11 भी P1 और 11 से 12 भी P1 ही चलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, क्वांटम टाइम क्या है, क्वांटम टाइम इज द टाइम दैट यू कैन से कि इट इज द शेयरिंग टाइम। हमारे पास यहां पे टाइम शेयरिंग एल्गोरिदम है ना, हाँ फिर से करवा देता हूं, यहां पर हमारे पास टाइम शेयरिंग एल्गोरिदम है। तो टाइम शेयरिंग क्या होगा आपके पास, कि कितने क्वांटम के लिए टाइम शेयर करना है, मतलब सीपीयू कितनी देर के लिए एक बार में देना है, 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। तो हर 2 यूनिट के बाद सीपीयू दूसरे प्रोसेस के लिए स्विच हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। सो अब दोबारा सुन लो इसका ये गैंट चार्ट कैसे बना। हाँ मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो स्टार्टिंग में ये तो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया। अब यहां पर हमने क्या किया, 0 से 2 P1 जाएगा। क्यों 2 तक की जाएगा, क्योंकि हमें मेंशन है कि 2 यूनिट्स के बाद आपका एक प्रोसेस को एक बार के लिए मैक्सिमम 2 यूनिट्स ऑफ टाइम देना है। मतलब हमारे पास सीपीयू का, अगर सीपीयू है यहां पे और यहां पे रैम है P1 P2 P3, तो हमारे एल्गोरिदम ने ये डिसाइड किया है कि हर 2 यूनिट्स के बाद मैंने स्विचिंग करनी है, पहले यहां था फिर यहां आ जाएगा फिर यहां आ जाएगा, ऐसे बार बार ये चलता जाएगा। किस फैशन में चलता जाएगा, राउंड रॉबिन के फैशन में, और जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। कॉन्फ्लिक्ट का मींस अभी मैं बता रहा हूं, 0 से 2 तक P1 चला, तो यहां पर रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, 2 यूनिट्स तो इसके एग्जीक्यूट हो गए, 5। देन 2 से 4 तक P2, ये तो पूरे का पूरा ही एग्जीक्यूट हो गया। देन 4 से 6 P3 और इसका रिमेनिंग टाइम 1। अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्या था, कि एट टाइम यूनिट 2 आपका P2 भी अराइव हो चुका था और P3 भी अराइव हो चुका था रैम में। तो एट टाइम यूनिट 2 आपने क्या, कौन सा एल्गोरिदम लगाया इनकी कॉन्फ्लिक्ट के लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब P2 पहले आया था तो P2 को पहले प्रोसेसर दे दिया। क्लियर। अब ऐसी सो ऑन, हम 6 तक तो चले गए, फिर 6 से 8 अगेन P1, तो 5 था तो यहां पर क्या आएगा, 3। ठीक है, लेकिन देना हमेशा राउंड रॉबिन के फैशन में है, अगर ऐसे नहीं, अगर 4 प्रोसेसेस हैं तो पहले चारों प्रोसेसेस को प्रोसेसर मिलेगा। तो 4 से 6 अगेन एंड 6 से 8 अगेन P1, तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 3। देन एट टाइम यूनिट 8 क्या P2 आ सकता है, P2 तो एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो चुका है, तो P3 का कितना रिमेनिंग टाइम था, 1, तो वो आ गया। फिर 9 से 11 अगेन P1 और 11 से 12 अगेन P1, क्योंकि और कोई प्रोसेस बचा ही नहीं था। हाँ जी, ये गैंट चार्ट कैसे बना, सभी को क्लियर है, अगर अराइवल टाइम क्वांटम टाइम से ज्यादा होगा, अगर अराइवल टाइम क्वांटम टाइम से ज्यादा होगा तो फिर दोबारा से P1 नहीं चलना था, समझ गए। लेट अस सपोज आपका क्वेश्चन था कि अभी हम इसको पहले सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन को बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन शायद मैंने आपको बता ही दिया कि अगर अराइवल टाइम क्वांटम टाइम से ज्यादा है तो मतलब P1 पहले ही है, तो P1 को दोबारा 2 यूनिट ऑफ टाइम वो मिल जाएगा।
प्रोसेसर, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे एक न्यूमेरिकल। अब यहां पर हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, अगेन टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम। अब यहां पर वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम में डिफरेंस आएगा, वो प्लीज आपने चेक करना है। एट टाइम यूनिट जीरो, पहले हम P1 का चेक कर रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम आया कब, जीरो पे। एग्जीक्यूट कंप्लीटली कब हुआ, 12 पे, तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 12। क्लियर? देखो दोनों में फर्क है, ये टीटी से मेंशन की है, जो भी आप इसको टीएटी से करना है, टीटी से करना है, वो लिखा होगा, ठीक है। तो P2 कब अराइव हुआ, एट टाइम यूनिट 1, गया कब ये, एट टाइम यूनिट 4, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना रहेगा, 3। देखो अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना, यहां 7 and 8 था, 12 and 3 है। नेक्स्ट आपके पास P3 आया कब था, 2 पे, एग्जीक्यूट कंप्लीटली कब हुआ है, 9 पे, तो टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा इसका, 7। हाँ जी, टर्न अराउंड टाइम में यहां तक किसी को डाउट हो, ये 12, 3, 7 कैसे आए, एट से टेन वहां पर पीयूष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि P3 का टाइम कितना था, 1, तो उसने 9 एट टाइम यूनिट 9 उसने क्या करना था, इंटरप्ट देना था। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, अगेन टर्न अराउंड टाइम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कि एक प्रोसेस को कितनी देर लगी एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में आपने जानना है, एक प्रोसेस को कितनी देर लगी एग्जीक्यूट होने के लिए। अब सिस्टम में ये प्रोसेस कब आया रैम में, 0 पे, लेकिन एग्जीक्यूट कब हुआ, ये देखो ना, 12 पे, तो 12 minus 0, 12। क्लियर? नेक्स्ट, सिस्टम में आपके पास P2 कब आया, एट टाइम यूनिट 1, और एग्जीक्यूट कब हुआ, 4 पे। देखो 4 पे कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद और इसको रिक्वायरमेंट नहीं थी प्रोसेसर की, तो 4 minus 1, 3। 4 पे टोटल ये एग्जिट हो गया, लेकिन आया कब था ये, 1 पे, तो वो हो गया। P3 आया कब था, 2 पे, एग्जीक्यूट कब हुआ, 9 पे, तो 9 minus 2, 7 हो गया। क्लियर? क्लियर? टर्न अराउंड टाइम एंड टोटल टाइम नहीं इसको बोल सकते, टोटल टाइम ऑफ अ प्रोसेस बोल सकते हो जशन, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ अ प्रोसेस बोल सकते हो, लेकिन टोटल टाइम तो सिस्टम का जनरली हम निकालते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट, अभी हम इसका वेटिंग टाइम निकालेंगे। देखो अब इसके वेटिंग टाइम में थोड़ा सा, अब ये कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, कैसे अभी बताता हूं। यहां तक P1 की बात करते हैं, यहां तक P1 को क्या कोई वेट करना पड़ा, नहीं, तो यहां इसको 0 टाइम यूनिट वेट करना पड़ा P1 के लिए। क्लियर? अब लेकिन 2 से 6 तक यहां पर P1 को कितना वेट करना पड़ा, 4 टाइम यूनिट, और अगेन यहां दोबारा जब मिला तो 1 टाइम यूनिट इसको वेट करना पड़ा, तो टोटल वेटिंग टाइम P1 का कितना हो गया, 4 plus 1, 5। हां जी, ये समझ में आया या नहीं, प्लीज आस्क इन चैट। दोबारा सुन लो, P1 कब अराइव हुआ, 0 पे, तो यहां तो इसको 0 टाइम यूनिट वेट करना पड़ा, यहां पर कितने टाइम यूनिट वेट करना पड़ा, 2 यूनिट्स हेयर, तो टोटल विल बी 4।
नेक्स्ट अगेन हेयर एट टाइम यूनिट 9 A to 9 P1 ने कहां वेट किया? रैम में. तो यहां पर वेटिंग टाइम कितना हो गया? 5. क्लियर है ये? हाँ जी, किसी को डाउट हो? सो मैं अज्यूम कर रहा हूं सभी को क्लियर है ये, अगर नहीं लिखा आपने तो. अब हम नेक्स्ट है जो हमारा रिस्पांस टाइम क्या होगा. अब रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम में आपको डिफरेंस पता चलेगा अभी दोनों प्रोसेसेस का, लेकिन पहले हमने वेटिंग टाइम निकाल लें. आप भी साथ साथ अपना कैलकुलेट कर लो. P2 के लिए यहां पर वेटिंग टाइम कितना है? P2 के लिए 1 पे आया था तो 1 यहां पर, तो P2 को उसके बाद एग्जीक्यूशन होगी तो यहां पर 1 वेटिंग टाइम. P3 के लिए आया कब था? 2 पे, और पहली बार इसको यहां पे प्रोसेसर मिला 2, तो यहां पर हो गया एंड 2 यहां पर हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 4. क्लियर? हाँ जी, यहां तक क्लियर है ये? ओके. नेक्स्ट अब हम करेंगे रिस्पांस टाइम. अब रिस्पांस टाइम को कैलकुलेट और या डिफरेंस क्या है दोनों में, अब यहां से आपको पता चलेगा कि रिस्पांस टाइम होता क्या है कि पहली बार जैसी आपने कोई क्वेरी डाली, पहली बार उस प्रोसेस के लिए प्रोसेसर कब मिला, कितनी देर बाद वो रिस्पांस करना स्टार्ट करेगा. तो P1 0 पे आया रैम में तो 0 पे उसको मिल गया. पहली बार कब मिला प्रोसेसर? एट टाइम यूनिट 0. तो यहां पर हम लिखेंगे रिस्पांस टाइम इज 0, मतलब पहली बार उसको प्रोसेसर कब मिला. फॉर टाइम यूनिट P2 आया कब? 1 पे. पहली बार प्रोसेसर कब मिला? 2 पे, तो इसका रिस्पांस टाइम कितना होगा? 2 - 1 1. प्रोसेस P3 आया कब? 2 पे. पहली बार प्रोसेसर कब मिला? 4 पे, तो इसका रिस्पांस टाइम कितना होगा? 2. तो अब यहां पर देखो वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम में डिफरेंस है. मेरे हिसाब से अब समझ भी आ गया होगा. क्लियर है सभी को? तो अब यहां पे आपको एक चीज मालूम, जो मैंने अभी ये न्यूमेरिकल पहले सीपीयू शेड्यूलिंग से भी पहले आपको क्यों करवाया है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन को आपको क्लियर करवाने के लिए, कि जो टाइम शेयरिंग है ये इसलिए यूज की जाती है ताकि इसमें रिस्पांस टाइम कम आए, ताकि यूजर को लगे हर यूजर को मेरे लिए ही वो इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम. तो आप अगर इस न्यूमेरिकल में भी देखोगे तो टाइम शेयरिंग वाले या राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के साथ क्या हुआ, जो आपके रिस्पांस टाइम है उसमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगी. क्लियर? तो हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम ज्यादातर या मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग हम इसके लिए ही यूज करते हैं. क्लियर है यहां तक? हाँ जी, किसी को डाउट हो? एनी डाउट? सो अगर डाउट नहीं है तो अब हम थोड़ी सी और टेक्निकल चीजें इसमें डिस्कस करते हैं. अब यहां पे आपके पास एक लाइन लिखी हुई है स्लाइड में, एक प्रोसेसेस डू नॉट फिट इन मेमोरी. यहां पे जब भी अकेली मेमोरी की बात की जाए उसको बोलते हैं हम रैम, मेन मेमोरी. जब अकेली मेमोरी की ही बात हो रही है तो उसको हम हमेशा बोलेंगे मेन मेमोरी से. स्वैपिंग मूव्स देम इन एंड आउट टू रन. वर्चुअल मेमोरी अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस नॉट कंप्लीटली इन मेमोरी. अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसको वैसे आगे जाकर तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसका मैं आपको बैकग्राउंड इसकी बता देता हूं.
अज्यूम करेंगे हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि आपके पास सीपीयू है और आपके पास रैम है। यहां क्या होगी, आपके पास हार्ड डिस्क, ये रैम प्लस कैशे जो भी मर्जी ले लो, इसको टोटल को हम बोल रहे हैं मेन मेमोरी है। मान लो आपकी रैम की कैपेसिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूजर प्रोसेसेस के लिए एलोकेटेड की हुई है वो 1 GB है, ठीक है, और 256 MB के यूजर फाइव प्रोसेसेस चलाना चाहता है, ठीक है, या आप जिसको ये अभी ज्यादा वो लग रहा है तो आप मान लो कि यहां पर 1000 MB है, ये मैंने उसके हिसाब से किया था, और यहां पर हर प्रोसेस 200 MB का है, तो ऐसे ये सॉरी 250 MB का है और ऐसे ये फाइव प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो मतलब 250 × 5 कितना बना, 100। तो लेकिन स्पेस यहां पर कितनी है 1000 की, तो अब कैसे होगा, तो अब अगर यहां पे स्पेस ऐसे है P1 P2 P3 P4, ठीक है, तो पहले तो 4 प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होंगे, जैसे ही ये यहां पर जाएगा इसने अपना टाइम क्वांटम पूरा किया और उसके बाद रैम में तो इसको स्पेस नहीं मिलेगी क्योंकि फिफ्थ प्रोसेस यहां पर एंटर आ चुका होगा, तो एक बार वो अगेन हार्ड डिस्क ड्राइव में जाएगा, रैम से इसको स्वैप आउट कर दिया जाएगा ताकि फिफ्थ प्रोसेस यहां पर आ जाए, और हार्ड डिस्क में एक हम स्पेशल रीजन रखेंगे जिसको बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी, तो अगर रैम की स्पेस कम भी पड़ जाए तो वो हार्ड डिस्क को वर्चुअल मेमोरी की तरह करता है, वहां से फिर प्रोसेस देन अगेन स्वैप इन स्वैप आउट स्वैप इन स्वैप आउट होता जाएगा। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट हो, इस कॉन्सेप्ट में डाउट हो, ओके चलो और सिंपल ले लेते हैं। रैम की कैपेसिटी है 500 MB की, यहां पर यूजर आपके 4 प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4 एग्जीक्यूट करना चाहता है ईच साइज ऑफ 250 MB, तो क्या होगा, रैम की कैपेसिटी तो 500 MB उसने ये यूजर प्रोसेसेस के लिए लेट अस सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने दी हुई है, तो रैम में क्या होगा P1 एंड P2 आएंगे, क्लियर, और यहां पर आपका सीपीयू है। अब हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मान लो 4 यूनिट्स ऑफ टाइम चाहिए और आपका टाइम क्वांटम जो मेंशनड है दैट इज 1, मतलब 1 यूनिट के लिए। अब जैसी P1 यहां पर जाएगा सीपीयू के पास तो यहां से P3 रैम में आ जाएगा, अब P1 जैसे एग्जीक्यूट होगा तो अब P1 कहां जाएगा, अगेन इन हार्ड ड्राइव, तो ये पहले तो ये रैम में था, रैम से एग्जीक्यूशन हो रही थी, एग्जीक्यूशन जो उसने टाइम क्वांटम अपना पूरा कर लिया, तो यहां से P1 क्या होगा, मतलब मैं यहां से कर रहा हूं एक्चुअल में तो यहां से होगा ना, P1 यहां से क्या होगा स्वैप आउट, क्योंकि रैम में कैपेसिटी नहीं है, अगर रैम में कैपेसिटी होती फिर तो अलग बात थी, P3 क्या होगा स्वैप इन, और ये हार्ड डिस्क पूरी हार्ड डिस्क में नहीं होगा, आपके पास
या आप प्लीज एडवांस कॉन्सेप्ट्स का मतलब भी पूछो, पेजिंग आएगी, पेजिंग अभी आपको समझ में नहीं लगेगी। पेजिंग क्या होती है कि प्रोसेस को आप डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हो, ठीक है, वो अभी मत पूछो क्योंकि वो काफी एडवांस हम मे बी वो तो एमएसटी के। आप प्लीज चैट में लिखो राहुल जो भी डाउट है, स्लो होगा नो डाउट, स्लो होगा। साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, हाँ ये फिक्स करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। ये प्रोसेस देखो, ये क्यों हम स्लो प्रोसेस के लिए क्यों गए? नहीं नहीं नहीं, हर बार वर्चुअल में नहीं जाएगा, हर बार वर्चुअल में ही जाता। देखो हार्ड ड्राइव, आप क्वेश्चन निखिल गलत समझिए कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो हार्ड ड्राइव का ही एक पोर्शन होगा, तो उसी पोर्शन को रैम बार बार एक्सेस करती जाएगी रैम के आने के लिए, ताकि बार बार एक पर्टिकुलर एरिया होगा, ऐसे नहीं होगा कि हार्ड ड्राइव में कहीं भी हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में ही होगा, तो वहीं से जाता जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि हर बार वर्चुअल में ही जाएगा वो वर्चुअल में, लेकिन क्यों जाएगा? अगर रैम के पास स्पेस नहीं है, अगर रैम के पास स्पेस है तो वो रैम में जाएगा, क्लियर। तो अगर अब आप स्लाइड्स को देखोगे, इफ प्रोसेसेस डू नॉट फिट इन मेमोरी, स्वैपिंग मूव्स देम इन एंड आउट टू रन, तो स्वैपिंग होती है इन एंड आउट फॉर रनिंग द प्रोसेसेस। ओके, कितना टाइम हुआ है अभी? ठीक है, ओके okay.